टाउनशिप क्षेत्र सेक्टर 6 साई मंदिर के पास बने पुलिया को वर्षों बीत गए हैं, पर बीएसपी प्रबंधन अभी तक आंखें मूंद बैठा है। उसे बड़ी दुर्घटना के होने का इंतजार है, तब जाके शायद बीएसपी की आंखें खुले। भिलाई सेक्टर 6 साई बाबा मंदिर के पास नाले पर बने पुलिया की रेलिंग पिछले कई वर्षों से टूटी हुई है। बीएसपी प्रबंधन इस पुलिया के रखरखाव व संधारण की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, ये तो समझ से परे है। मुख्य मार्ग होने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिए जाने से राहगीरों के लिए खतरा बना हुआ है। रोजाना पुलिया के ऊपर से दोपहिया और चौपहिया वाहनों का आना जाना लगा रहता है। वहीं पुलिया की रेलिंग टूटी होने के कारण हमेशा खतरा बना रहता है। भीड़ भाड़ के समय राहगीर यहां से गुजरते वक्त हमेशा अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। सेक्टर 6 साई बाबा मंदिर के पास नाले पर पुलिया की टूटी रेलिंग को लेकर लोग क्या कह रहे हैं, आप भी सुने। पुलिया बना है तो कई साल हो चुके हैं, यहाँ दुर्घटना होती है, यहाँ से बड़े अधिकारी भी लोग गुजरते लेकिन किसी का ध्यान नहीं होता है। साथ ही साथ में वो पुलिया के बाजू में जो एक पांठेला था, वो मकान गरीब का था बेचारे का, वो 40 साल 45 साल हो गए उसको, उसका मकान भी तोड़ दिया ना, उसको मकान मिल रहा है। गरीबी रेखा का राशन कार्ड होने के बावजूद उसको मकान नहीं मिल रहा, ठेले का भी उसका पलटी कर दिया गया नाले के अंदर में। ऐसे गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये जो पुलिया कब बनेगा? जब तक दुर्घटना नहीं होगी, किसी की मौत नहीं होगी, तब तक कोई नहीं आएगा। मरने के बाद ही उसका पंचनामा करने लोग आएंगे अधिकारी यहाँ के, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। पुलिया कम से कम 3 साल हो गया टूट के, 3 साल करीब हो गया। हम तो यहीं रहते, बगल ही में रहते पुलिया बगल में। अब कुछ भी नुकसान हो, बड़ा भी आया, छोटा गाड़ी है, बड़ा गाड़ी है तो पुलिया टूटा हुआ या जानवर भी गिर सकता है, बच्चे भी गिर सकते हैं उसमें। इसमें तो आवश्यकता तो है ही है, कोई भी अब ध्यान तो देते ही नहीं कोई। आवाजाही में मतलब यहाँ के रहवासियों को तकलीफ होती है, हम लोग दुकानदार हैं उनको तकलीफ होती है, और मार्केट के लोग हैं, मार्केट आ जाने में थोड़ा सी दिक्कत होती है इसमें। जैसे कि अपना सी मार्केट का भी कार्य किया जा रहा है बीएसपी की तरफ से, तो खतरा भी है। खतरा को तो कोई बता नहीं सकता कि क्या खतरा हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा खतरा हो सकता है।